महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिनों से ये चर्चा है कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को बीजेपी ने महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश की है। अब इस खबर पर शिवसेना के शिंदे गुट ने प्रतिक्रिया दी। स्कूल शिक्षा मंत्री और शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा, हम चाहते हैं कि राज ठाकरे हमारे साथ रहे, जब मुंबई के हित की बात आएगी तो वह हमारे साथ होंगे। पदाधिकारियों की बैठक के बाद राज ठाकरे ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मनसे की भूमिका वास्तव में क्या होगी। इस पर राज ठाकरे ने कहा, चीजें हालात के हिसाब से तय होती है, अब आप सभी इसके अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र हमसे धोखा न खाए। बता दें, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होगा, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिनों से ये चर्चा है कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को बीजेपी ने महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश की है। अब इस खबर पर शिवसेना के शिंदे गुट ने प्रतिक्रिया दी। स्कूल शिक्षा मंत्री और शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा, हम चाहते हैं कि राज ठाकरे हमारे साथ रहे, जब मुंबई के हित की बात आएगी तो वह हमारे साथ होंगे। पदाधिकारियों की बैठक के बाद राज ठाकरे ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मनसे की भूमिका वास्तव में क्या होगी। इस पर राज ठाकरे ने कहा, चीजें हालात के हिसाब से तय होती है, अब आप सभी इसके अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र हमसे धोखा न खाए। बता दें, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होगा, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।